हेलो गाइस। तो इस वीडियो हमने जो पिछली वीडियो में देखा था वो देखी थी, ये जो गाइडलाइंस है आपको क्या क्या फॉलो करनी है, आपने की जो एडसेंस अप्लाई करोगे अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, कुछ भी आपको जैसे गलत कंटेंट या कुछ नहीं डालना। तो इसमें हम देखेंगे कैसे आप जो है आपकी जो वेबसाइट पर एडसेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम एडसेंस, गूगल पे सर्च करेंगे, जो फर्स्ट लिंक होगा उस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी जो इंटरफेस है एडसेंस का वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट, जिस भी बारे में आप जो प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी अपने पर्सनल पैशन के बारे में भी यहाँ पे लिखेंगे, पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में लिखेंगे, तो वो भी आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू। तो एडसेंस पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या उस पर। ठीक है, एडसेंस इज़ अ फ्री सिंपल वे टू अर्न मनी बाय प्लेसिंग एड्स ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक, इसमें आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं, राइट एड्स फॉर योर ऑडियंस डिस्प्ले करता है गूगल आपके कंट्रोल में क्या आपको डिस्प्ले करना कंटेंट पे या नहीं। ठीक है, तो और इसमें भी है ओनली द हाईएस्ट पेइंग एड्स गो लाइव, जितने भी सबसे ज़्यादा जो हाई पे एड्स होंगी वो आपके ब्लॉग पे यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिक ओवरव्यू आप इसमें इसकी वेबसाइट पर जाके पढ़ भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है साइन अप करेंगे अपने वेबसाइट ब्लॉग के लिए। एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो सिंपल सा फॉर्म होगा गूगल एडसेंस का वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और जितनी भी आपको जो आपकी जो भी लाइक इंफॉर्मेशन होगी सारी आपको एग्जैक्ट करेक्ट फिल करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यूआरएल मांग रहा है, तो हम अपनी वेबसाइट का जो ब्लॉग का यूआरएल होगा वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपका ई मेल एड्रेस आपको बिल्कुल करेक्ट अपना चूज़ करना है। ठीक है, गेट हेल्पफुल एडसेंस, अगर आप चाहते हैं कि एडसेंस के जो न्यूज़लेटर होते हैं कुछ भी इंपॉर्टेंट मेल्स हैं या कुछ भी इनकी न्यू अपडेट हैं आपको चाहिए तो येस पे क्लिक कर सकते हो आप, नहीं चाहिए तो आप नो पे क्लिक करोगे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट अप्लाई होती हैं पेमेंट के रिगार्डिंग, या फिर ये आप सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें पढ़ सकते हो। बाकी इसमें थोड़ी बहुत इसकी गाइडलाइंस भी होंगी कि आपको कंटेंट जो है सही यूज़ करना है, ओरिजिनल यूज़ करना, कोई थर्ड पार्टी पॉपअप या वैसा कुछ यूज़ नहीं करना, लोकेशन सही चूज़ करनी है, तो कुछ ऐसा आपकी होंगी जो हमने पिछली वीडियो में सारा कवर किया था इसका। ठीक है, तो इसमें येस आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट, कंटिन्यू टू एडसेंस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो है आपका ये ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसमें आपका जो है डिस्प्ले हो रहा, बाकी जो हो सकता है कि मैंने ये जो पहले अकाउंट है यूज़ किया होगा, मैं एक बार आपको जो है न्यू अकाउंट से भी एक बार शो कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा पिछला जो था उस ईमेल आईडी से अकाउंट बना हुआ था, तो मैं एक बार जो है दूसरा फर्स्ट स्टेप आप दोबारा जाके उसमें ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे चेंज करी। ठीक है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट डालने और ईमेल आईडी डालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे शो होगा वो है यहाँ पे शो करेगा सेलेक्ट योर कंट्री। तो कंट्री आपको आपको बिल्कुल ही सही सेलेक्ट करनी है, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको गाइडलाइंस में बताया था कि जो भी आप कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से जो आपकी एड्स हैं डिस्प्ले होंगी, तो इसको बिल्कुल सही आपको चूज़ करना। टर्म्स एंड कंडीशन पर हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पहले जो हमने आपको उसमें दिखाया था पिछले अकाउंट में, तो सारा वहाँ पे आपको जो डिस्प्ले हो रहा था, इस अकाउंट में हम दोबारा इसकी जो सेटिंग्स डिस्प्ले करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें इनपुट करेंगे अपने। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रॉपर अपनी करेक्ट एंड एग्जैक्ट आपको डालनी है यहाँ पे, क्योंकि जो उसके जो चेक्स होते हैं गूगल एडसेंस के वो आपको इसी एड्रेस पे आएंगे। एड्रेस गलत है तो आपके जो एड्रेस जो चेक्स होंगे कभी भी आपको रिसीव नहीं होंगे उसके। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन है करेक्ट एग्जैक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर इन्फो की बात करते हैं, इंडिविजुअल है बिजनेस है, अगर बिजनेस का तो बिजनेस का नेम आप उसमें एंटर करेंगे, आपका प्रॉपर रजिस्टर्ड बिजनेस है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नेम आपका यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आप जो एड्रेस है या एड्रेस इनपुट करेंगे फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, जो भी आपका ऑफिस का बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, फिर जो भी आप डालना चाहते हैं एड्रेस एग्जैक्ट होना चाहिए, ताकि जो भी इसके जो
आपकी पेमेंट जो अभी आपके पास आएगी चेक्स के थ्रू वो आप तक रीच हो सके, कुछ भी इनके इम्पोर्टेंट मेल्स हो सकते हैं तो आपके प्रॉपर आपके एड्रेस पे आए वो। ठीक है, यहाँ पे आप सिटी डाल देंगे, पोस्टल कोड डालेंगे, यहाँ पे स्टेट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी यहाँ पे स्टेट है, फ़ोन नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं, ऑप्शनल है वैसे फिर भी हम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने डाल दी अपनी, देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, वेरीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो वेरीफाई एक बार कर लेते हैं नंबर को, अगर आप उसमें ऑप्शनल में नहीं डालेंगे तो आपका जो स्टेप होगा स्किप हो जाएगा, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, या तो फिर आप फ़ोन के थ्रू उसमें जो है कॉल रिसीव करना चाहते हो कॉल भी रिसीव कर सकते हो, या फिर अगर आपको जो है SMS चाहिए वो भी आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे जो SMS डाल देता हूँ। इसमें थोड़ा यूजली सेफ रहता है अगर आप जो इसमें अपना जो जो फ़ोन नंबर है वो इसमें वेरीफाई कर लोगे, तो कि भी मान लीजिए आपका अकाउंट जो है लॉक भी हो जाता है तो उसके थ्रू आप अनलॉक कर सकते हो, तो अपने जो गूगल अकाउंट है उसमें फ़ोन नंबर और एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी हमेशा डाल के रखिएगा कभी आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो। ठीक है गाइस, तो अब ये जो यहाँ पे आपका जो कोड है वो यहाँ पे इसने जनरेट करके दे दिया, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही कोड होता है, ये जो आपको अपनी वेबसाइट पे एम्बेड करना होता है, लगाना होता है अपनी वेबसाइट के अंदर, और इसमें लिखा भी है कहाँ पे आपको लगाना है, हेडिंग टैग्स के अंदर लगाना है। ठीक है, तो कई जैसे लोग हैं तो नॉन टेक्निकल भी कई ज़्यादा लोग होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि कोड ये कहाँ अप्लाई करना है, कोड है क्या, किस चीज़ के लिए कोड है, तो आपका सिंपल ये जो कोड है स्क्रिप्ट है ये आपको जो अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करनी है, ताकि उसके हिसाब से जो भी एड डिस्प्ले होंगे आपकी जो वेबसाइट के ट्रैफिक को रीड करेगा गूगल एनालिटिक्स के थ्रू और उसी हिसाब से यूज़र्स को डिस्प्ले करेगा एड। ठीक है गाइज, तो ये जो था आपका इसमें हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट करना है, तो ये जो स्टेप है हम गाइज अब सेकेंड उसमें करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपकी उसमें कवर करेंगे कि आपको कैसे अपना जो कोड है उसको इनपुट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद जो हमें इस जो चेकबॉक्स है उस पर क्लिक करना है, तो वो वेरीफाई होगा पहले कोड। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।